चौकी के पास बदमाशों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में चोरों के हौसले खासे बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दोपहर चोरी और टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है और पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। ताजा मामला थाना क्षेत्र चरखारी के अंतर्गत आने वाली चौकी के समीप का है, जहां बदमाशों ने एक आभूषण की दुकान को निशाना बनाते हुए दोबारा टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे डाला। तकरीबन 3 महीने पहले भी इसी दुकान से 10 लाख के आभूषण चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसका खुलासा आज तक भी नहीं हो सका है। लगातार दूसरी बार बदमाशों का शिकार बना व्यापारी आज फिर खाकी की तरफ बेबस नजरों से देखने को मजबूर हो चला है। वहीं पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद मुकदमा दर्ज कर घटना का खुलासा जल्द से जल्द किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। घटना चरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी के समीप की है, जहां आभूषण व्यापारी लल्लू सोनी की दुकान को दोबारा बदमाशों द्वारा निशाना बनाया गया है। टप्पेबाजी से जुड़ी इस घटना में 12 वाले एक बेंदी समेत 25 ग्राम सोना बदमाशों ने ठिकाने लगा दिया है। इससे पूर्व तकरीबन 3 महीने पहले भी 3 महिलाओं द्वारा इसी व्यापारी को निशाना बनाते हुए 10 लाख की टप्पेबाजी की गई थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका है। पुलिस को अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। वहीं बदमाशों द्वारा दोबारा लल्लू सोनू का बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि लल्लू सोनी की दुकान चरखारी चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, बावजूद उसके बदमाशों द्वारा लल्लू सोनी को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले की तरह मौका मुआयना कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं बेबस और लाचार व्यापारी न्याय की आस लिए खाकी का मुंह ताकने को मजबूर है। उसमें क्यों हाथ डलवा रहे हैं इसका? ये वही तो, ये कुछ कर देते हैं बता, अगर आप कुछ कर देंगे आप कुछ पता नहीं चलेगा, आप कोई अपनी गोलक में हाथ डलवाएगा। ये देखो आज सुबह 10:11:32 का टाइम था और लगभग 2 लड़के आए जिनकी उम्र 35 से 40 की, एक 30 से 35 की लगभग थी जी। 2 लोग आए, उन्होंने पहले बिछिया मांगी देने के लिए, लेने के बाद बाहर जाने लगी, बाहर जाने के बाद बोली कि 500 को छुट्टा मिलेगी, पापा को छोड़कर नहीं है तो शायद देख लो। उन्हें जैसे देखने लगे रैक खोली, रैक के बाद उन्होंने रैक पे डेस्क में हाथ डालने लगे, उसमें जो सोने की डिब्बी रखी थी उसमें सोने की बाला और बेंदी नहीं रखी, वो डिब्बी उठा के ले गए। अच्छा, पापा को 3-4 मिनट बाद होता है, जैसे उन्होंने देखा तो उसमें डिब्बी गायब थी। अच्छा, आज मैं बैठा था, एक लोग आया हाँ, तो उसने मीना मांगे, मैंने मीना दी उसको जी, 300 रुपए की मीना दी। इसके बाद वो बाहर निकल गया, बोले 500 के टूटा दो, छोड़ कर मैंने कहा नहीं है, बोले देखो पर जब मैंने गेट डैश खोला हाँ। उसने हाथ डाल लिया। अच्छा, और डबिया रखा, उस समय याद नहीं आया जब वो चले गए, फिर मैंने कहा डबिया यार देखो डबिया तो ले गए पर डबिया नहीं। सर इससे पहले भी आपके यहाँ पे एक ऐसी घटना हो चुकी है, पहले चला गया था तब तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कोई पता नहीं चला। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।